हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम सक्सीड एज एन फ्रेश ग्रेजुएट। इस तरह से आप एज एन फ्रेश ग्रेजुएट और एज एन अंडर ग्रेजुएट वर्किंग करके खुद पे खुद को इम्प्रूव करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्पफुल साबित होने वाली है और इसका आउटपुट भी काफी आपको मिलने वाला है। वीडियो सेशन के साथ जुड़े रहना है। तो पहले बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आप तमाम लोगों का, शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, SM इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं और इसके मेंबर बने हुए हैं, सब्सक्रिप्शन की हुई है, और वो लोग SM इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं अभी तक इसके मेंबर नहीं है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ज्वाइन, नॉट फॉर मी, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट प्रोफेशनल लेवल पे जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड और डिफरेंट जो है डोमेन्स के रिलेटेड मैं बनाता हूँ। आपने यूट्यूबिंग किस तरह स्टार्ट करनी है, आपने ऑनलाइन अर्निंग किस तरह करनी है, लेकिन जो आज के वीडियो सेशन का पर्पज है वो है फ्रेश ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट्स को कुछ ऐसी आपको फार्मूलाज बताने वाला हूँ जो कि आपको ड्यूरिंग एकेडमिक अगर गाइड कर दिया जाए तो आपको काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम दो चीजों में कैटेगराइज करूंगा लोगों को, वो लोग जो ऑलरेडी जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ है एजुकेशन से, लेकिन वहाँ पे उस लेवल पे अभी भी डेवलप्ड कंसीडर नहीं किए जाते, और वहाँ का स्टडी सिस्टम पे लोग हैं जो विलेज बिलोंग करते हैं कुछ ऐसे सिटीज से और कुछ ऐसे एरिया से जहाँ पे इतनी ज्यादा जो है वो गिरदोनुमा में चीजों की अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए ऐसे हैं जो डेवलप्ड एरियाज में रह रहे हैं जिन्हें पता है दिनों क्या करना है। तो ये वीडियो सेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ नया इसके लिए मिल जाएगा। अब आपको किस तरह से पता चलेगा, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी फील्ड से, आप हो सकते हैं आप इंजीनियरिंग से हो सकते हैं, आप मेडिकल से हो सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंसेस से, IT सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन जो है वो राइट है या आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको जो है वो डिसअपॉइंट करने वाले भी होते हैं, मार्केट सिचुएशन बता बता के कि जी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत सारे आपको, लेकिन आपने पॉसिबिलिटीज को देखना है उन लाइबिलिटीज पे जिनकी वजह से हमारे लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है या इश्यू ज्यादा क्रिएट, उन पे नहीं बल्कि आपने पॉसिबिलिटीज पे फोकस करना है। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड वन ये है कि आपने डिजिटल मीडिया को जो है वो जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपने यूटिलाइज करना है डिजिटल मीडिया को। उसमें डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग आ जाते हैं, लर्निंग मोड्स आ जाते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, यूट्यूबिंग आ जाती है, गूगल आ जाता है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं अगर बात करूं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तो यूडेमी है एंड व्हाटएवर, लेकिन आपने मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करना है। यहाँ से आपको ट्रैक्शन मिलेगी, आपको कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में भी पता चलेगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि जब आप जैसे ही कॉलेज से निकल रहे हैं तो आपको फिर ये नहीं होगा कि मैंने क्या करना है, उससे पहले आपको पता होगा। एक सबसे बड़ा जो गैप हमेशा से है और अभी भी चल रहा है, जो कि मैंने तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 2 years में ऑब्जर्व किया है, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अपनी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी हावना नहीं होती, उन्हें इस चीज का नहीं पता होता। अब देखिए, आप किसी भी एनवायरमेंट में रह रहे, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं कहां पे लाइक कर, आपको अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग इंडस्ट्री का प्रॉपरली नहीं पता, आपकी प्रॉपर आपने उस पर वर्किंग नहीं की, तो आप कैसे पॉसिबिलिटी है कि वहां जाके आप आपके लिए अपना जो है वो रिज्यूम CV दे सकेंगे। आज अगर गवर्नमेंट सेक्टर बचता है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, उसमें मेरिट बेस के इश्यूज आ जाते हैं और बहुत सारी उसमें आ जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आपको जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज के बारे में हाउनो होगी आप उतना ही बेहतर तौर पर आपको पता होगा कि मैंने इंटर्नशिप कहाँ पे करनी है, मैंने अप्रेंटिसशिप किस तरह लेनी है। यही चीज़ें होती हैं जो एज एन फ्रेश ग्रेजुएट और जो अंडर ग्रेजुएट है उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करने में जो है वो हेल्पफुल साबित हो जाती हैं और आप अपने कैरियर में जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ करें, अपनी डोमेन को देखें, अपने इन्वायरमेंट को देखें, वहाँ पे आपके रेलिवेंट कितना जो है वो सर्कल क्या है, एंड देन यू आर एबल टू वर्क। और एक और मज़े की चीज़ बता दूँ, आज ओपन इन्वायरमेंट में वीडियो सेशन रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि आज मैं अपने होम टाउन में हूँ और ग्राउंड रियलिटी है जहाँ पे जो है वो, पहले आपको पता है कि फैसलाबाद लाहौर में काफ़ी वीडियो सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, उसके अलावा और बहुत सारे एरियाज में जो है वो ट्रैवलिंग करते हुए बहुत सारे वीडियो सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, और रिमोट एरियाज में भी डिफरेंट एरियाज में वीडियो सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, आप तक अपनी आवाज़ को लेके आया हूँ, कंटेंट को लेके आया हूँ। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, स्ट्री नहीं पता किस तरह से आपने जो है वो मूव करना है, टाइम है अपनी इंडस्ट्री को सर्च करें, अपनी इंडस्ट्री के बारे में रेलिवेंट स्किल्स को सीखें। अगर आप नहीं अभी तक हुए इंडस्ट्री में तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो इंडस्ट्री में इन हो जाएं, अपनी सर्विसेज दें, अपनी स्किल्स को
एटलीस्ट आपको इस चीज़ का वहमो गुमान नहीं रहेगा कि हमें चांस नहीं मिला। चांस बनाना पड़ता है, और आप इंडस्ट्री में तब जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करेंगे आपको पता चलेगा, आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। जब आप इंडस्ट्री की नीड बन जाएंगे देन जॉब भी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी पैकेज भी मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आपके पास इस पॉसिबिलिटीज को भी जो है वो आप अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सके, देन यू शुड मूव इन अदर डायरेक्शन। फिर आप अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए। मोस्टली एक और चीज भी देखने को मिली है जिन रिमोट एरियाज के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है कि अपने अपने कारोबार को अपने बिजनेस को संभाल लेते हैं लोग, तो ये भी चीज़ें काफ़ी एक्टिविटीज होती हैं। फिर वही लोग ग्रेजुएट होने के बाद अपने काम वगैरह को संभाल लेते हैं, लेकिन फिर उसमें भी अगर आप देखें उन अपॉर्चुनिटी को आप अवेल नहीं कर पाए, अगर मतलब आपने इंडस्ट्री में इन नहीं हो पाए, या उसके बाद भी इंटर्नशिप वगैरह करने के बाद भी अगर आपको चांस, देन एंटरप्रेन्योरशिप आप ऑनलाइन अपना यूट्यूबिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो वो लोग हैं जो अपना जो है वो एग्रीकल्चरल, जिस तरह से मैं इस टाइम ओपन एनवायरमेंट में खड़ा हूँ, ठीक है, तो फिर बहुत सारे लोग इन चीज़ों की तरफ मूव कर जाए। और वीडियो सेशन अच्छा लगा इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नॉट फॉर माय बेनिफिट SMB इंस्टीट्यूट को के साथ जुड़े रहें, इसकी प्लेलिस्ट को विजिट करें, और एटलीस्ट आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट वहां को सीखने को जो है वो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग SMB इंस्टीट्यूट।